शाहजहांपुर जिला की अगर बात करें, नगर निगम की बात करें, 27.25% शाहजहांपुर की नगर निगम में अब तक हो चुका है। 27.25% मतदान शाहजहांपुर नगर निगम में दोपहर 1 बजे तक हो चुका है। शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद नगर पालिका की अगर बात की जाए तो 37.37% मतदान यहां पर हो चुका है। और शाहजहांपुर की तिलहर नगर पालिका की अगर बात करें तो 40.94% मतदान तिलहर नगर पालिका में दोपहर 1 बजे तक हो चुका है। शाहजहांपुर जिला की पुवाया नगर पालिका की अगर बात करें तो 40.96% मतदान यहां पर हो चुका है, लगभग 41% इसे मान लिया जाए। पुवाया नगर पालिका का यह हाल आप देख रहे हैं दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा। शाहजहांपुर की अल्लागंज नगर पंचायत का मतदान प्रतिशत आपके सामने है, 37.9% मतदान यहां पर हो चुका है। कटरा नगर पंचायत की अगर बात की जाए तो 33.3% मतदान कटरा नगर पंचायत में हो चुका है शाहजहांपुर की कटरा नगर पंचायत। शाहजहांपुर की कलान नगर पंचायत की अगर बात करें तो 29.5% मतदान कलान नगर पंचायत में हो चुका है। शाहजहांपुर की कांट नगर पंचायत में बात करें तो 44.2% मतदान कांट नगर पंचायत में हो चुका है। शाहजहांपुर की कुटार नगर पंचायत की बात करें तो 43.32% मतदान कुटार नगर पंचायत में अब तक हो चुका है। शाहजहांपुर की खुदागंज नगर पंचायत में 39.5% मतदान दोपहर 1 बजे तक हो चुका है। शाहजहांपुर की निगोही नगर पंचायत 35.2 मतदान यहां पर हो चुका है प्रतिशत, 35.2% मतदान निगो में हो चुका है। बंडा नगर पंचायत की अगर बात करें तो 32.15% मतदान बंडा नगर पंचायत में हो चुका है। राजेंद्र ठीक है आशी, शाहजहांपुर नगर निगम में 27% से कुछ ज्यादा मतदान हुआ है अब तक दोपहर 1 बजे तक, और ये अयोध्या से भी कम है। शाहजहांपुर चलते हैं, उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता वहां से कनेक्ट हैं। उबैद, ये आंकड़ा तो अयोध्या से भी कम है, अयोध्या में बहुत उत्साहवर्धक आंकड़ा नहीं था लेकिन शाहजहांपुर में तो उससे भी कम है। जी राजेंद्र, सुबह में तो वोटिंग परसेंट कुछ हो भी रहा था लेकिन अब धूप बहुत तेज है और जो मतदान केंद्र हैं, हम इस वक्त यहाँ पर मदरसा ऐनुल इल्म के मतदान केंद्र पर हैं और यहाँ जो मतदाता हैं इक्का दुक्का ही आ रहे हैं क्योंकि तेज़ धूप है उसकी वजह से, और फिर लंच का भी टाइम है तो लोग अभी अपने घरों में हैं। उम्मीद है कि 2-3 बजे के बाद से फिर एक बार फिर मतदाता निकलेंगे बाहर, और एबीपी गंगा भी अपील करता है कि पहली बार महापौर का चुनाव हो रहा है यहाँ पर और एक मतदाता यहाँ पर आ रही हैं, अभी अपने मत का प्रयोग करके उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आपने अपना वोट कर लिया? वोट कर लिया आपने? कर लिया? हाँ, कर लिया। पहली बार मेयर के लिए चुनाव हो रहा है, क्या मुद्दे हैं यहाँ की जनता के? मुद्दे ये कि काम अपना विकास हुआ और विकास के मुद्दे पर यहाँ पर वो वोट कर रहे हैं, तो किस तरह से यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो क्या हैं और क्या उम्मीद है कि पहली बार मेयर बने? गलियों खुदी पड़ी हैं, उनको सही करवा देंगे, उनका अपना बेरोजगार हैं जो मोहल्ले में, नाली हैं, काम कर काज हो जाए और क्या सब। और एक मतदाता है, ये बताइए आपने अपना वोट डाल लिया? जनता के मुद्दे क्या है, पहली बार मेयर का चुनाव हो रहा है, क्या समस्याएं हैं यहाँ की, किन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आपने वोट किया है? हमने अपने देवरानी को वोट दिया। अच्छा, नहीं हम ये नहीं पूछ रहे किसको वोट दिया देवरानी को, ये बताइए यहाँ शाहजहांपुर के लोगों की परेशानियाँ क्या हैं, किस तरह का यहाँ उम्मीद है आप लोगों को विकास में? ज़्यादा मतदाता बोल नहीं पा रही हैं लेकिन मतदान की अहमियत वो समझ रही हैं और अब वोट करने के लिए आई हैं, तो गर्मी का वक्त है, दोपहर का वक्त है तो इसलिए मतदाता कुछ कम है। अभी उम्मीद है कि दोपहर में जब गर्मी ढलेगी, धूप ढलेगी तो उसके बाद मतदाता आएंगे, लेकिन यहाँ पहली बार मतदान हो रहा है महापौर के लिए, तो लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर वो वोट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो यहाँ की गलियाँ हैं, सड़कें हैं वो अच्छी हों। लेकिन पहली बार अगर नगर निगम के लिए मतदान हो रहा है जो प्रत्याशी है उसे चुन रहे हैं, उबैदा पहली बार मेयर पद के चुनाव के लिए वहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं लेकिन उतना उत्साह नहीं है, और अपने संबंधी के लिए वोट डालने के लिए पहुंचे लेकिन मुद्दा क्या था इसका उत्तर नहीं आया। बहरहाल डेटा सेंटर चलेंगे आयुषी के पास। बिल्कुल, तो शाहजहांपुर की हमने बात की, पहली बार महापौर वहां पर चुना जाएगा। अब चलिए इटावा का हाल आपको बताते हैं, क्या मतदान प्रतिशत है इटावा नगर पालिका में। 31.91% मतदान इटावा नगर पालिका में अब तक हो चुका है दोपहर 1 बजे तक। इसके बाद जसवंत नगर नगर पालिका की अगर बात की जाए तो 36.57% मतदान जसवंत नगर नगर पालिका में हो चुका है। भरतना नगर पालिका की अगर बात करें 37.54% इटावा जिला की भरतना नगर पालिका में दोपहर 1 बजे तक हो चुका है।
इटावा जिला का हम हाल बता रहे हैं आपको, दोपहर 1 बजे तक का क्या आंकड़ा यहाँ पर है। इटावा जिले की इकदिल नगर पंचायत की बात करें तो 35.3% मतदान इकदिल नगर पंचायत में अब तक हो चुका है। इटावा जिला की बकेवर नगर पंचायत का हाल देखिए, 37.63% मतदान बकेवर नगर पंचायत में हो चुका है। इटावा जिले की लखना नगर पंचायत का हाल देखिए, 45.92% मतदान लखना नगर पंचायत में हो चुका है। तो इटावा जिले का ये आंकड़ा है, ये प्रतिशत है दोपहर 1 बजे का। राजेंद्र, बिल्कुल आयुषी, आपने इटावा नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं का हाल बता दिया, दोपहर 1 बजे तक का मतदान फीसद बता दिया। इटावा ही लिए चलते हैं आपको, अमित मिश्रा हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ेंगे, वो वहां की ताजा तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, मतदाताओं का उत्साह भी बताएंगे। दोपहर के इस वक्त जब ज्यादातर जगहों पर मतदान केंद्रों पर मतदाता थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, अमित बिल्कुल जिस तरह से इटावा की बात की जाए, करीब सुबह से मतदान 7 बजे से शुरू हुआ था, 2 बजने को है, तो जिस तरह से समय बढ़ रहा है, लेकिन महिलाओं में अभी भी आप उत्साह देख सकते हैं कि ये जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सेंटर है जो चौगुर्जी का शहर के मुख्य शहर का सेंटर है, यहाँ पर कुछ महिलाएं आई, मैं इनसे ही जानता हूँ, आप जो वोट डालने आए हो, जिस तरह से इस बार महिलाओं में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है, किस तरह से इस बार क्या मुद्दे हैं महिलाओं के? महिलाओं के यही मुद्दे हैं जो विकास का और सफाई नगर पालिका में सफाई का मुद्दा होता है। अच्छा, सफाई क्योंकि महिलाएं मैं देख रहा हूँ कि लगातार सुबह से इटावा शहर के अंदर लाइनों पर लाइनें लगी हुई हैं, तो वो मुख्य मुद्दा है मुद्दा विकास और सफाई, विकास और सफाई का। आपने वोट कर दिया? अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार? अच्छा, आपने वोट कर दिया है, मेरे साथ एक महिला और भी है, आप वोट करके आ गई हैं, इस बार के मुख्य मुद्दे क्या है महिलाओं को लेकर, क्योंकि महिला प्रत्याशी भी इटावा से है, तो महिलाएं क्या?